हेलो स्टूडेंट्स, मैं आशीष वर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर लॉ, गवर्नमेंट लॉ कॉलेज अजमेर। आज हम LLB थर्ड ईयर पेपर 3.5 पेनोलॉजी, विक्टिमोलॉजी एंड फॉरेंसिक साइंस अर्थात दंड शास्त्र, प्रपीड़न शास्त्र एवं न्यायिक विज्ञान विषय पर चर्चा करेंगे। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि ये विषय तीन भागों में डिवाइड किया जा सकता है। पहला पेनोलॉजी अर्थात दंड शास्त्र, दूसरा विक्टिमोलॉजी अर्थात प्रपीड़न शास्त्र, तीसरा फॉरेंसिक साइंस अर्थात न्याय विज्ञान। आज हम पेनोलॉजी सब्जेक्ट के टॉपिक पनिशमेंट अर्थात दंड पर चर्चा करेंगे। दंड को हम चार भागों में डिवाइड कर समझ सकते हैं, जिसमें पहला इसका मीनिंग अर्थात इसका अर्थ, दूसरा डेफिनेशन अर्थात इसकी परिभाषा, तीसरा ऑब्जेक्ट यानी इसका उद्देश्य और आखिर में इसका कंक्लूजन या निष्कर्ष। जब दंड की अर्थ समझने की बात आती है तो हमें यह भी समझ लेना आवश्यक होता है कि दंड के साथ साथ हम अपराध को भी समझना हमारे लिए आवश्यक होता है। तो पहले दंड को समझने से पहले हम अपराध को समझ लेते हैं। अपराध को निम्न विधिवेताओं के द्वारा इस प्रकार परिभाषित किया गया है, जिसमें ब्लैकस्टोन के अनुसार कहा गया है कि अपराध एक ऐसा कृत्य है या कृत्य का लोप है जो सार्वजनिक विधि के उल्लंघन में किया गया राज्य द्वारा निषिद्ध कार्य होता है। इसी प्रकार मिलर के अनुसार अपराध किसी ऐसे कृत्य का किया जाना या करने की चूक करता है जिसका करना या न करना विधि द्वारा वर्जित है तथा जिसके लिए सरकार द्वारा एक निश्चित दंड का प्रावधान है। इसी प्रकार ऑस्टिन के अनुसार दंड में वे अवैध कार्य हैं जिनके सिद्ध हो जाने पर न्यायालय अपराधियों को दंड देता है और ऐसे दंड में कमी करने का एकमात्र अधिकार राज्य को होता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि वैधानिक रूप से रीतियों और परंपराओं को तोड़ना अपराध कहलाता है। समाज के विवेकशील और प्रतिष्ठावान व्यक्ति जिस कार्य को आदिकाल से अनुपयुक्त मानते हैं वे सभी कार्य अपराध की श्रेणी में आते हैं। व्यवहारिक दृष्टिकोण से अपराध वह क्रिया है जिसमें सामान्य व्यवहार के प्रतिमान के विचलन उत्पन्न होता है। इस प्रकार सामाजिक व्यवहारों के विरुद्ध किया गया कार्य अपराध की कोटि में आता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सामाजिक मूल्य की सुरक्षा के प्रतिकूल किया गया कार्य अपराध कहलाता है। और इन परिभाषाओं से हम जब देखते हैं तो हमें यह आवश्यक तत्व अपराध के बारे में पता चल सकते हैं, जैसे कि पहला कि कोई भी कार्य या कार्य का लोप होना चाहिए, दूसरा उस कार्य या कार्य के लोप से समाज या किसी व्यक्ति को हानि पहुंचना चाहिए, तीसरा कार्य या कार्य का लोप विधि द्वारा वर्जित अथवा दंडनीय हो। इस प्रकार हम देखते हैं कि अपराध के लिए किसी कार्य का होना या कार्य का लोप, क्योंकि कार्य में कार्य का लोप भी शामिल होता है और इस लोप के कारण जो विधि द्वारा वर्जित कार्य है उन कार्यों का किया जाना और समाज में किसी व्यक्ति को या स्वयं समाज को इससे हानि पहुंचती है तो ये कार्य अपराध कहलाता है। और इसी अपराध की रोकथाम के लिए दंड की उत्पत्ति हुई है, क्योंकि प्राचीन काल से ही दंड प्रचलन में रहा है। अब हम दंड को समझ लेते हैं, क्योंकि समाज में शांतिपूर्ण संचालन में दंड का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। समाज में शांति एवं सफल प्रशासन हेतु समाज अथवा राज्य के द्वारा आवश्यक रूप से नियम और कानूनों का निर्माण किया जाता है। ये कानून लिखित रूप में भी हो सकते हैं या परंपराओं के रूप में भी हो सकते हैं या रूढ़ियों के रूप में भी हो सकते हैं। और समाज के द्वारा इस तरीके के बनाए गए नियम कानून का पालन सभी के द्वारा किया जाना अनिवार्य होता है, क्योंकि प्रत्येक समाज में
कुछ नियम और कानून आवश्यक रूप से होते हैं जो कि शांति व्यवस्था को बनाए रखने के लिए उपयुक्त होते हैं, और इस प्रकार बनाए गए नियमों अथवा कानूनों का उल्लंघन ही व्यक्ति के कार्यों को अपराध की श्रेणी में लाता है और इस वर्जित आचरण पर समाज एवं राज्य जो प्रतिक्रिया करता है अथवा व्यक्ति को अपराध के लिए प्रताड़ित किया जाता है वह प्रक्रिया दंड कहलाती है। इस प्रकार हम दंड को निम्नलिखित परिभाषाओं से भी समझ सकते हैं। दंड की परिभाषाओं में सबसे पहला नाम है डोनाल्ड टेफ्ट का। डोनाल्ड टेफ्ट ने कहा है कि हम दंड की परिभाषा उच्च जागरूक दबाव के रूप में कर सकते हैं जो समाज की शांति को भंग करने वाले व्यक्ति को अवांछनीय अनुभव युक्त कष्ट जो सदैव उस व्यक्ति के हित में नहीं होता देता है। अर्थात जब किसी व्यक्ति के द्वारा समाज की शांति को भंग किया जाता है तो उस व्यक्ति को ऐसा अवांछनीय कष्ट दिया जाता है जो उस व्यक्ति को कभी भी स्वीकार्य नहीं होता है। इसी प्रकार एंड्रिक फेरी ने कहा है कि दंड एक विधिक प्रतिरोध है। अर्थात जब किसी व्यक्ति के द्वारा अपराध कारित किया जाता है तो उसकी रोकथाम के लिए उस व्यक्ति को दंड दिया जाना आवश्यक हो जाता है। इसी प्रकार वेस्टर्न मार्क के अनुसार दंड में वह पीड़ा है जो एक निश्चित ढंग से समाज के द्वारा या समाज के नाम पर अपराधी को दी जाती है जो उस समाज का स्थायी या अस्थायी सदस्य है। अर्थात इस परिभाषा के अनुसार अपराध में कष्ट अंतर्निहित रहता है और ये अपराधी को प्रदान किया जाता है, इसे समाज या समाज के नाम पर दिया जाता है। दंड पाने वाला व्यक्ति दंड देने वाले समाज का स्थायी, दंड पाने वाला व्यक्ति या दंड पाने वाला अपराधी दंड देने वाले समाज का स्थायी या अस्थायी सदस्य होता है। दंड एक निर्धारित पद्धति के द्वारा दिया जाता है। इसी प्रकार सदरलैंड के अनुसार कहा गया है कि दंड में कष्ट या पीड़ा निहित रहती है जो दंड के प्रारूप के द्वारा उत्पन्न होती है और उस पीड़ा में निहित किसी मूल्य द्वारा न्यायोचित ठहराई जाती है। इसी प्रकार सदरलैंड ने कहा है कि सार्वजनिक न्याय के साधन के रूप में दंड की अवधारणा में दो महत्वपूर्ण विचार अंतर्ग्रस्त हैं। पहला, दंड समूह द्वारा अपनी संगठित क्षमता के अंतर्गत उस व्यक्ति को दिया जाता है जिसे ऐसा समूह अपना सदस्य मानता है, और दंड में ऐसा कष्ट, दूसरा, दंड में ऐसा कष्ट या दुख निहित रहता है जो जानबूझकर उत्पन्न किया गया होता है। इसी प्रकार डॉक्टर एमजे सेटना ने कहा है कि दंड एक प्रकार की सामाजिक निंदा है और इसमें यह आवश्यक नहीं कि इसमें कष्ट या पीड़ा शामिल हो। इसी प्रकार हिंदू धर्म में भी दंड को समझाया गया है। हिंदू धर्म में कर्म और कर्मफल की कल्पना की गई है जिसके अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को अपने कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है। इस प्रकार संक्षेप में हम कह सकते हैं कि सामाजिक व्यवस्था की रक्षा के लिए बनाए गए कानूनों का उल्लंघन के लिए स्थापित व्यवस्था दंड कहलाती है, और दंड व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य अपराध का निवारण करना होता है। इस प्रकार सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए नियमों अथवा उल्लंघन के लिए स्थापित व्यवस्था दंड कहलाती है। अब हम देखते हैं दंड के ऑब्जेक्ट या उद्देश्य। धार्मिक ग्रंथ गीता के अनुसार दंड मानव शुद्धि का उपाय है। अर्थात जब व्यक्ति के द्वारा अपराध कारित किया जाता है तो यह माना जाता है कि व्यक्ति अशुद्ध हो गया है, और जब उसके द्वारा सजा या दंड को पूर्ण कर लिया जाता है तो वह शुद्ध हो जाता है। अर्थात दंड का उद्देश्य मानव शुद्धि का उपाय है। मनुस्मृति में भी दंड के निम्नलिखित उद्देश्य बताए गए हैं। पहला, राजधर्म के पालन के लिए सृष्टि में ईश्वर ने दंड का विधान बनाया है। दूसरा, दंड के भय से स्थावर व जंगम सभी जीव अपने अपने कार्य का फल भोगने के लिए समर्थ होते हैं और अपने अपने धर्म से विचलित या पथभ्रष्ट नहीं होते हैं। तीसरा, दंड ही सब प्रजाओं की रक्षा करता है
और सबके सोते हुए भी दंड ही जागता रहता है। इसी प्रकार जस्टिस होल्ट के अनुसार दंड का उद्देश्य अपराधों का निवारण करना है। इसी कड़ी में बेंथम कहते हैं कि दंड का उद्देश्य अपराधों का निवारण और क्षतिपूर्ति भी है। डॉक्टर एमजी सेटना ने दंड के निम्नलिखित उद्देश्य बताए हैं। इसमें कहा गया है कि अपराधी में, पहला, अपराधी में सुधार करना, दूसरा, अपराधी को अपराध की पुनरावृत्ति से रोकना, तीसरा, अन्य व्यक्ति को अपराध करने से रोकना, चौथा, समाज में इस धारणा को मान्यता देना कि अच्छे कार्य सदैव ही पुरस्कृत होते हैं और बुरे कार्यों के लिए सदैव दंड दिया जाता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि डॉक्टर एम जे सेटना ने बताया है कि जब किसी व्यक्ति के द्वारा कोई अपराध कारित किया जाता है तो अपराधी को सुधारने के लिए उसे दंड दिया जाता है और दंड देने के उपरांत अपराधी भविष्य में अपराध करने से बचता है या उसकी पुनरावृत्ति से उसे रोक दिया जाता है। और जब किसी व्यक्ति को या किसी अपराधी को दंड दिया जाता है तो उस दंड के भय के कारण अन्य व्यक्ति भी उस अपराध को करने से बचता है और समाज में इस प्रकार की मान्यता कि जब व्यक्ति के द्वारा बुरे कार्य के लिए उसे सदैव ही दंड का भागी होना पड़ता है तो व्यक्ति उस ओर अग्रसर भी नहीं होता है। इसी तरह से जब व्यक्ति को अच्छे कार्यों के लिए समाज में प्रतिष्ठा प्राप्त होती है या उसे पुरस्कार दिया जाता है तो व्यक्ति गलत और बुरे कार्यों को छोड़कर सदैव ही समाज में अपनी प्रतिष्ठा को बनाए रखने के लिए अच्छे कार्यों की ओर अग्रसर रहता है। इसी प्रकार हम कह सकते हैं कि कंक्लूजन के रूप में या निष्कर्ष के तौर पर कह सकते हैं कि एक सभ्य समाज के निर्माण में दंड की महत्वपूर्ण भूमिका होती है और इसी कारण समाज में शांति और उसके सुनियोजित विकास के लिए प्राचीन काल से ही रूढ़ी परंपराओं, कानून, नियम, आदेश आदि की उत्पत्ति हुई है और इसी के साथ उपरोक्त की अवमानना अथवा उल्लंघन को समाज में अपराध के रूप में परिभाषित किया गया है तथा ऐसा उल्लंघन करने वाले व्यक्ति को सुधारने और अपराध की पुनरावृत्ति को रोकने तथा अन्य लोगों को अपराध के दुष्परिणाम बताने के लिए अपराधी को प्रताड़ना के रूप में दंड का दिया जाना एक उचित मार्ग बताया गया है। अतः अपराधों की रोकथाम तथा समाज में शांति व्यवस्था को बनाए रखने के लिए दंड की महत्वपूर्ण उपयोगिता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सामाजिक व्यवस्था की रक्षा के लिए बनाए गए कानून के उल्लंघन के लिए उस व्यवस्था को स्थापित करने वाली इकाई द्वारा उल्लंघनकर्ता को भय के रूप में जो शारीरिक, मानसिक अथवा आर्थिक कष्ट पहुँचाया जाता है वह दंड कहलाता है। अर्थात जब हम दंड को देखते हैं तो हम ये पाते हैं कि दंड व्यक्ति को शारीरिक रूप से भी दिया जा सकता है, मानसिक रूप से भी दिया जा सकता है और आर्थिक कष्ट पहुँचाकर भी दिया जा सकता है। तो इसके अंतर्गत व्यक्ति के जो व्यक्ति अपराधी है उसके द्वारा किया गया कार्य, जो उसके कार्य के करने और उसके ना करने, अर्थात कार्य में कार्य का लोभ भी शामिल होता है जिसके कारण जब व्यक्ति कार्य करता है या कार्य का लोभ करता है जो उसे उस श्रेणी में लाता है जो कि समाज के द्वारा या राज्य के द्वारा बनाए गए कानूनों के उल्लंघन की तरफ ले जाता है। तो यह माना जाता है कि जब व्यक्ति के द्वारा ऐसा कार्य किया गया है जो उस व्यक्ति को अपराध की तरफ अग्रसर करता है तो उसकी एक तरीके से समाज में निंदा होती है और निंदा होने के कारण वह व्यक्ति अपराधी की श्रेणी में आ जाता है। और जब उसे यह लगता है कि उसके द्वारा ये किया गया कार्य गलत है तो उसमें उसकी व्यक्ति की सुधार की संभावनाओं को देखते हुए यह उसे उस समय रोक दिया जाता है ताकि वह उस अपराध की पुनरावृत्ति ना कर सके। रोकने के कारण ये होता है कि जब धार्मिक तौर पर देखें तो वह ये देखता है कि जब एकांत में वह सोचता है कि उसके द्वारा जो किया गया कार्य है तो वह गलत है और उसमें इस तरीके की सोचने और समझने की एक शक्ति पैदा होती है जो उसे पश्चाताप की ओर अग्रसर करती है और जब वह व्यक्ति दंड भोगने के बाद समाज में पुनः अपने को स्थापित करने की ओर आता है तो वह
यह देखता है कि जब उसके द्वारा कोई कार्य बुरा किया गया है तो समाज में उसके द्वारा निंदा की गई उसकी, और जब वह सजा काट लेने के उपरांत पुनः खुद को समाज में स्थापित करने के लिए अग्रसर होता है तो उसके द्वारा जब अच्छे कार्यों का शुभारंभ किया जाता है तो समाज उसे एक सामान्य और आम नागरिक के रूप में या अपने समाज के सदस्य के रूप में स्वीकार करने के लिए सदैव तत्पर रहता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जब व्यक्ति को या समाज की रक्षा के लिए बनाए गए कानून के उल्लंघन के लिए कानूनों के उल्लंघन के लिए उस व्यक्ति को जो दंड दिया जाता है, जो कि शारीरिक, मानसिक अथवा कष्ट के रूप में पहुँचाया जाता है, वह दंड कहलाता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि व्यक्ति को भविष्य में और अपने जीवन में अच्छे कार्यों को ही करना चाहिए ताकि वह समाज में प्रतिष्ठा पा सके और उसे बार बार पुरस्कृत किया जा सके, और अगर उसके द्वारा बुरे कार्य किए जाता है तो उसे दंडित किया जाना ही उसकी रोकथाम के लिए अत्यंत रूप से आवश्यक और उचित मार्ग बतलाया गया है। इस प्रकार ठीक है, हम दंड की इस प्रकार हम इसको समझ सकते हैं। धन्यवाद।